ये देश मेरा है, पिंड मेरा है, घर मेरा है, और मुझे मेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता। तो दोस्तों, साल 2021 में अरशद वारसी ने अपनी एक मूवी की अनाउंसमेंट की थी जिसका टाइटल था बंदा सिंह। तो दोस्तों, अब 3 साल के एक बड़े इंतजार के बाद मेकर्स ने ऑफिशियली मूवी का ट्रेलर रिलीज करने का सोच लिया है और ये मूवी इसी साल 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, बंदा सिंह चौधरी एक अपकमिंग थ्रिलर जॉनर की फिल्म है जिसमें अरशद वारसी एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए नजर आएंगे और मेहर वीज को इनकी वाइफ का रोल प्ले करते हुए देखा जाएगा। दोस्तों, मूवी को 1971 के सेट पर बनाया गया है जहां पर बंदा सिंह को कैसे पंजाब छोड़ने के लिए कहा जाता है और वो इस तरह अपने हालातों से लड़ता है, वो चीज देखना इस मूवी में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, साल 2022 में मूवी की शूटिंग को भी कंप्लीट कर लिया गया था और अब फाइनली इस साल 2024 में ये मूवी रिलीज होने जा रही है। दोस्तों, मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो मूवी को अभिषेक सक्सेना ने डायरेक्ट किया है और ये मूवी अरबाज खान की प्रोडक्शन कंपनी की एक अपकमिंग फिल्म है। दोस्तों, बात करते हैं मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर की। तो दोस्तों, इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर कल 1 अक्टूबर को रिलीज होने जा रहा है और मेकर्स जल्द ही मूवी की रिलीज डेट भी अनाउंस करने वाले हैं। दोस्तों, एक्सपेक्टेड है कि कल जब इस मूवी ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया जाएगा तो मेकर्स साथ ही मूवी की रिलीज डेट भी अनाउंस कर देंगे और एक्सपेक्टेड है कि ये मूवी अक्टूबर के महीने में ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, अरशद वारसी को इस मूवी में एक्शन करते हुए भी देखा जा सकता है और मूवी के डायरेक्टर का कहना है कि ये मूवी हमें काफी ज्यादा इमोशनल करने वाली है। वेल, क्या होने वाला है मूवी में वो तो कल हम इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर देखने के बाद ही जान पाएंगे। तो दोस्तों, तैयार रहे कल मूवी का ट्रेलर देखने के लिए। मूवी की रिलीज डेट अनाउंस कर दी जाएगी या मूवी से जुड़ी कोई भी और अपडेट सामने आएगी तो आपको इसी चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। कैसा लगा आपको ये पोस्टर कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें।